जय जगन्नाथ। जुगे जुगे से क्षेत्र तीर्थराज गौरव लाभ कर कारण यह क्षेत्र देव दुर्लभ सकल तीर्थर मौलिकता को तीर्थराज श्रीजगन्नाथ विग्रह प्रकटित यह केवल संभव हो पारे तीर्थ शिरोमणि श्रीजगन्नाथ कृपार से तो भागवतकार यथार्थे कही सकल तीर्थ घेनिकरी नीलकंदर विजय हरी आसतु बुली जावा इंद्रदुम्न सरोवर तीर्थ को आस जेउंठे विग्रह माने निर्मित होइथिले बा जहाँको जन्मवेदी कहुजाए सही जन्मवेदीर अनति दूरें एही इंद्रदुम्न पुष्करिणी अवस्थित विग्रह निर्माण और प्रतिष्ठा पूर्वरु शास्त्रीय विधान अनुजाई अश्वमेध यज्ञ और गोदान इत्यादि हेबा विधेय स्कंदपुराण उत्कल खंडर वर्णना अनुजाई इंद्रदुम्न महाराजा जेउं सहस्र गोदान करिथिले सही गायमानंक खुरारे स्थानटी खोली होई जो गात होईथिला एवं दान समय रे जो जल ढला जाईथिला सेई जल ओ गायमानंकर मूत्र गाडरे भर्ती होई एई पवित्र तीर्थ इंद्रदुम्न पुष्करिणीर सृष्टि होईछि। एबे आम सहित अछन्ते इंद्रदुम्न सरोवर निकटरे थिबा माँ गुंडीचराणी मंदिरर सेवक श्रीजुक्त देवेन्द्र कुमार पंडा। आज्ञा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ आज्ञा। आज्ञा इंद्रदुम्न सरोवर आम बहुत शुणीचे कि एटी अश्वमेध यज्ञ होता यही यज्ञ द्वारा स्वदेह इंद्रदुम्न राजा जाते स्वर्ग वैकुंठ को जाते ए विषय मैं कि प्रकार रही तथ्य कि प्रकार महात्म्य रही तो बहुत महात्मा ये है इंद्रदुम्न तीर्थ ये इंद्रदुम्न राजा ये अश्वमेध यज्ञ कर ब्राह्मण मानक लक्ष लक्ष ब्रह्मा स्वदेह निज ब्रह्मा को आनी निमंत्रण आनी ये लक्ष लक्ष गाय विदान ये करते गुरुदान गोरुर मल मूत्र खोरा द्वारा गर्त हो गोमूत्र जल हो जल जा जगन्नाथ मंदिर भी प्रतिष्ठा हो पंचाम जल कहते मारकंड बटे कृष्णा रोहिणींच मोहो दधि इंद्रदम्न सरे स्नानम पुनर्जम लभिदेते अश्वमेधांग गोकोटि क्षीर क्षीर्ण महिस्थली तन्मूत्र फिणिता जम्बु क्षीरता निरपावनी ये महातीर्थ आज्ञा गोदान कुंड सारा भारत बर्षर गोदान कुंड सारा प्रथम भारत बर्षर गोदान सत्य युगरे इंद्रदुम्न रजाराणी एटी अश्वमेध यज्ञ करी स्वदेन ब्रह्मा को आनी एटी ब्रह्मा ब्राह्मण ब्राह्मण मानक सब लक्ष लक्ष ब्राह्मण मानक गाईदान देते गाई खोरार गर्त होता गाई मलमूत्र पोखरी होता यही जल जा जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा होता जो नवदिन यात्रा है महाप्रभुंकर ये नवदिन यात्रा ये स्नान कर महाप्रभु दर्शन करें कोटी जन्मर पाप पुण्य मुख्य होता है ये महातीर्थ ये गोदान कुंड ये गोदान गोमूत्र जल पंचामृत जल इत्यादि महाप्रभु जाऊ आप ए प्रकार अमृतमय कथापी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। इंद्रदुम्न पुष्करिणीर अन्यतम महात्म्य है यह पुरुषोत्तम धामर पांच गोटे जलतीर्थ मध्यरु गोटे मार्कंडेय बटकृष्णे भोहितो इह महोदधौ इंद्रदुम्न सरे स्नात्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीजगन्नाथ दर्शन एही पुष्करिणी स्नान करि कले मनीषर आउ पुनर्जन्म हुए नाही बोली विभिन्न शास्त्र रे उल्लेख रही। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर कृष्ण पंचमी दिन मध्य श्रीक्षेत्र परिक्रमार विशेष विधान रही। महाभारतर आरण्यक पर्वरे उल्लेख रही जेउमाने रथजात्रा समय नवदिनात्मक व्रत पालन करती सेमाने आषाढ़ शुक्ल तृतीया रथजात्रा दिन एही सरोवर रे स्नान परे नृसिंहंक पाखरे संकल्प करी एही व्रत आरंभ करिथंती। नौ दिन जाक अर्थात श्रीगुंडीचा ठारु बाहुडा पर्यंत एही सरोवर रे स्नान करिपार विधान रही। प्रत्येक भक्त अपेक्षा रखती आषाढ़ मासर द्वितीया तिथि को रथरे महाप्रभुंकर वामन रूप को देखी निजको धन्य मन करिवे। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को कूले नवापाई तो महाप्रभुंकर रथ आरूढ़। नीलाद्री महोदय शास्त्र रे उल्लेख अछि जे लंडा होई इंद्रदुम्न रे स्नान सारी तर्पण परे जो माने महावेदी रे जगन्नाथ आदि विग्रह मानक दर्शन करती से माने सहस्र अश्वमेध यज्ञर फल लाभ करिथंती। श्रीगुंडीचा मंदिर पश्चिम दिगरे अवस्थित एही इंद्रदुम्न सरोवर तटरे विराजमान करिछंती प्रभु नीलकंठेश्वर।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବ ଉପାସନାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହିଁ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ବହୁବିଧ ଆଲୋଚନାମାନ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ତ ସେମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଥିବା ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ବାଚୀନ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚଶିବଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଗଙ୍ଗରାଜତ୍ୱର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶୈବ ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ସମ୍ପ୍ରତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାସିତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସର୍ପଛତ୍ର ଏବଂ ଆଖିର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିବ ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନଥିବା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ।